हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटेक टॉक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विंडोज के एनवायरमेंट वेरिएबल के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि विंडोज में एनवायरमेंट वेरिएबल क्या है और हम कैसे एनवायरमेंट वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये वेरिएबल क्या होता है। तो हम लोग सिंपली गूगल ओपन करते हैं और यहां पे लिखते हैं व्हाट इज वेरिएबल। तो इसका डेफिनेशन मैं ये लास्ट वाला लेता हूं, an element, feature or factor that is liable to vary or change। यानी कि एक element या एक feature आप इसे कह सकते हैं जिसका जो value होता है वो change होता है, यानी कि consistent नहीं रहता है। यहां पे variable जब हम लोग लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि उसका value consistent नहीं है, बल्कि वो value change हो सकता है। वो एक element भी हो सकता है, एक feature भी हो सकता है। तो ये है बेसिकली वेरिएबल। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पे एक एलिमेंट लेता हूं, वो है एक्स। अगर मैं एक्स को कांस्टेंट वैल्यू देता हूं तो यहां पे क्या होगा, वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर एक्स इस एलिमेंट का अगर वैल्यू चेंज होता है बार बार तो उसे हम लोग वेरिएबल कहेंगे, यानी कि उसका वैल्यू जो है कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो बेसिकली यही है वैल्यू, यही है वेरिएबल। अब जब बात हो रहा है एनवायरमेंट वेरिएबल का, तो यहां पे बात हो रहा है विंडोज के एनवायरमेंट वेरिएबल, यानी कि जिस एनवायरमेंट में वो वेरिएबल काम करेगा उसे ही हम लोग एनवायरमेंट वेरिएबल कहते हैं। विंडोज के केस में ये बेसिकली विंडोज का एनवायरमेंट वेरिएबल होगा। आप मैक ओएस या लिनक्स में उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप अलग से एनवायरमेंट वेरिएबल जो है वो सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल यही है कि एक एलिमेंट जो हम लोग डिफाइन करेंगे और जिसका वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो सकता है या वेरी कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि विंडोज में हम लोग एनवायरमेंट वेरिएबल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको आप लोग दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहले तो यहां पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, फिर सेटिंग्स आइकॉन के ऊपर एक बार लेफ्ट क्लिक करिए। सेटिंग्स ओपन हो गया है। अब यहां पे देखिए सिस्टम, इस पे आपको एक बार सिंगल क्लिक करना है। अब सिस्टम जब ओपन हो जाए तो ये लेफ्ट साइड पैनल में एकदम लास्ट ऑप्शन जो है अबाउट, आपको अबाउट पे क्लिक करना है। और फिर यहां पे राइट साइड में देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, आपको इस एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने इस तरह से सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। अब और एक तरीका है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर अगर दिस पीसी का आइकॉन बना हुआ है तो सिंपली उस पर आप लोग राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज क्लिक करिए। ये जो है आपका सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो गया है और यहां पे अबाउट पे ही ये चेक्ड है, तब यहां पे अबाउट दिखाया जा रहा है। अब जब आप यहां पे आ जाए तो राइट साइड में एडवांस सिस्टम सेटिंग्स है, उस पर एक बार क्लिक करिए। तो ये हो गया आपका सिस्टम प्रॉपर्टीज, यहां पे ओपन हो गया। तो इसे क्रॉस कर देते हैं। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको, डिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है, वो अबाउट पे ओपन हो गया। राइट साइड में यहां पे देखिए एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है। अब जब आपका सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स या विंडो ओपन हो जाए, यहां पे देखिए आपको एडवांस जो टैब है उसको सिलेक्ट करना है। वो पहले से ही सिलेक्टेड रहेगा, इनकेस अगर यहां पे रहता है तो आपको इसे चेंज करते हुए एडवांस पे आना है। और फिर नीचे यहां पे ऑप्शन को देखिए एनवायरमेंट वेरिएबल, यहां पे
आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन होके आ जाएगा। यहां पे दो ऑप्शन दिखा जा रहा है, यूजर वेरिएबल और एक है सिस्टम वेरिएबल। दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूं। अगर यूजर वेरिएबल इस सेक्शन में रहते हुए आप न्यू पे क्लिक करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल, तो वो पर्टिकुलर उसी यूजर के लिए एप्लीकेबल होगा जिस यूजर पे आप अभी लॉग इन है। अगर मैं यहां पे यूजर वेरिएबल में जाके न्यू पे क्लिक करके कोई एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करता हूं तो वो जो होगा पर्टिकुलर इस यूजर के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप सिस्टम वेरिएबल पे जाके क्लिक करेंगे न्यू पे तो वो आपके कंप्यूटर में विंडोज में बने सारे यूजर अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर इस यूजर अकाउंट के लिए नहीं करेंगे, तो हम लोग सिस्टम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो सिंपली हम लोग सिस्टम वेरिएबल के नीचे यहाँ पे जो न्यू है उस पर एक बार क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स, आपको न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पहले वेरिएबल नेम पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम जो है उसका नाम कैप्स में दे देता हूं ऑल डाउनलोड्स करके। मैं बताता हूं कि क्यों। नाम आप वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं और नीचे वेरिएबल वैल्यू में जाके आपको सिंपली पाथ सिलेक्ट करना है उसका। तो पहले वेरिएबल नेम, मैं चाहता हूं कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूं जो मेरा डाउनलोड फोल्डर को एक्सेस करे। तो उस केस में मैं यहां पे दे देता हूं ऑल डाउनलोड्स। ये मैंने वेरिएबल नेम डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू में बेसिकली आपको कोई नंबर नहीं देना है, आप जिस फोल्डर या फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं उसका पाथ आपको देना है। तो पाथ आप ब्राउज फाइल या ब्राउज डायरेक्टरी करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन बने हुए हैं, लेकिन हम लोग ना तो ब्राउज फाइल में इस तरह से क्लिक करके जाएंगे और ना ही ब्राउज डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सिंपली मैं दिस पीसी पे क्लिक करता हूं और यहां पे देखिए मेरा एक फोल्डर बना हुआ है डाउनलोड। तो सिंपली यहां पे जाने के बाद जब मेरा डाउनलोड फोल्डर ओपन हो जाए, यहां पे मैं सिंपली एक बार क्लिक करूंगा। देखिए इसके ऊपर जहां ये स्पेस है, मैं दिखा देता हूं आपको। इस स्पेस के ऊपर जब आप एक बार क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, नहीं यहां पे पाथ तो नहीं आ रहा है, एक मिनट मुझे इसका पाथ चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह से पाथ, तो इस तरह से अगर पाथ नहीं आ रहा तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सिंपली क्योंकि हम लोग एक फोल्डर को यहां पे वेरिएबल वैल्यू पे देंगे तो हम लोग ब्राउज डायरेक्टरी करते हैं। यहां पे आप चाहे तो सिंपली उस जगह में जाके भी आप, जैसे कि यहां पे देखिए ये डाउनलोड्स, तो ये जो है पाथ आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सिंपली वेरिएबल नेम के नीचे वेरिएबल वैल्यू, उसके नीचे जो ब्राउज डायरेक्टरी है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहां से सिंपली दिस पीसी ओपन कर लेता हूं। यहां से मैं डाउनलोड को सिलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, फिर ओके। देखिए पाथ अपने आप वेरिएबल वैल्यू, तो वैल्यू बेसिकली यहां पे एक पाथ वेरिएबल है। हमने वेरिएबल नाम नेम जो है वो ऑल डाउनलोड्स रखा है और वेरिएबल वैल्यू जो है हमने इसका जो पाथ है उसे कॉपी ना करते हुए यहां से ब्राउज डायरेक्टरी में जाके हम लोग सेट कर देते हैं। अब सिंपली आपको इसे ओके करके फिर ओके कर देना है और फिर ओके। अब इस एनवायरमेंट में यानी कि इस विंडोज कंप्यूटर को ये पता चल चुका है कि अगर हम लोग ऑल डाउनलोड्स लिखेंगे तो वो बेसिकली हमारे दिस पीसी का ये जो डाउनलोड फोल्डर है इस फोल्डर को वो एक्सेस करेगा। यानी कि हमने एक एनवायरमेंट वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है जो बेसिकली इस डाउनलोड फोल्डर के पाथ को पॉइंट करता है। यानी कि जैसे देखिए अगर हम लोग आप रन बॉक्स को ओपन करेंगे विंडोज बटन और आर बटन, और यहां पे मैं सिंपली आपको सिंपली रन बॉक्स में जाके इस तरह से नहीं लिखना है,
मैं अगर यहां पे ऑल इस तरह से अगर सिंपली आप वेरिएबल को लिखेंगे ऑल डाउनलोड्स और एंटर करेंगे तो ये फंक्शनल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वेरिएबल को फंक्शनल करने के लिए रन बॉक्स में आपको इसके आगे और पीछे जो परसेंट साइन है उसे देना है। जैसे कि मैं बताता हूं, देखिए मैंने ऑल के सामने एक परसेंट साइन दे दिया और डाउनलोड्स के बाद मैंने यहां पे एक परसेंट साइन दे दिया। तो आपको इस तरह से आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसके आगे और पीछे एक परसेंट साइन देना है। इससे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि आप पर्टिकुलर इस वेरिएबल को फंक्शन में लाना चाहते हैं। तो दोनों साइड में हमने परसेंट साइन देके आप जैसे मैं ओके करूंगा, देखिए ये मेरा डाउनलोड्स फोल्डर को ओपन कर दिया है और ये सारे यूजर अकाउंट के लिए ही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इस तरह से रन बॉक्स को ओपन करके अगर आप सिंपली परसेंट और परसेंट दो साइन के बीच में आपके वेरिएबल नेम को लिखेंगे और ओके करेंगे तो वेरिएबल जो है वो फंक्शनल हो जाएगा। और देखिए ये डाउनलोड्स फोल्डर को ओपन कर दिया है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाके सिंपली एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाके एनवायरमेंट वेरिएबल, आप देखिए यहां पे मैंने जो ऑल डाउनलोड्स ये देखिए सिस्टम वेरिएबल्स के अंडर मैंने क्रिएट किया था, आप अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूं यहां से, ये डिलीट हो चुका है। अब अगर आप सिंपली फिर से रन कमेंट को ओपन करके यहां पे मैं सेम परसेंट ऑल डाउनलोड्स परसेंट लिख के एंटर करूंगा तो ये फंक्शनल नहीं रहेगा क्योंकि हमने वेरिएबल को अब हटा दिया या डिलीट कर दिया। देखिए विंडोज कैन नॉट फाइंड परसेंट ऑल, मेक श्योर यू टाइप द नेम करेक्टली एंड देन ट्राई अगेन। यानी कि आप ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है, हमने डिलीट कर दिया है। ठीक इसी तरह से आप किसी भी फंक्शन के लिए विंडोज का एनवायरमेंट वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं और एक सिंपल आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहां से यहां पे देखिए डेस्कटॉप का डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर है, देखिए यहां पे तो ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को मान लीजिए हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हम लोग फिर से वही करेंगे, सिंपली दिस किसी के ऊपर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज राइट साइड में एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, आप सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर एडवांस टैब्स को सिलेक्ट रखते हुए नीचे देखिए एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब हम फिर से क्या करेंगे, यूजर वेरिएबल्स ना डिफाइन करते हुए हम लोग सारे अकाउंट्स के लिए करेंगे तो हम लोग सिस्टम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे और यहां पे न्यू कर देंगे। सिस्टम वेरिएबल्स में जाके आपको न्यू पे क्लिक करना है, तो एक और वेरिएबल मैं लिख देता हूं यहां पे, मान लीजिए हम वेरिएबल नेम देंगे कैपिटल में डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया है, डॉक्यूमेंट्स। अब वेरिएबल वैल्यू आप यहां पे पेस्ट करके भी दे सकते हैं, लेकिन आपको अगर पर्टिकुलर उस फोल्डर का पाथ जो है नहीं पता या फाइल का पाथ नहीं पता तो ऐसे केस में आप फाइल के केस में ब्राउज फाइल करेंगे पर्टिकुलर, और अगर डायरेक्टरी करना चाहते हैं तो डायरेक्टरी करेंगे तो हम लोग ब्राउज डायरेक्टरी करते हैं और यहां पे सिंपली इस ऑप्शन से मैं दिस पीसी के अंदर ये देखिए डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को सिलेक्ट कर दिया यहां पे, ओके। अब हम लोग अगर रन बॉक्स को ओपन करते हैं सिंपली परसेंट डॉक्यूमेंट परसेंट इस तरह से आप अपने वेरिएबल को देंगे और ओके करेंगे तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को ओपन कर दिया है। ठीक है,
फिर अगर हम लोग वेरिएबल को डिलीट कर देंगे तो ये फिर हट जाएगा। देखिए यहां से मैं फिर आपको दिखाता हूं, अभी यहां पे सिस्टम वेरिएबल पे जहां पे सिंपली डॉक्यूमेंट्स को यहां पे मैंने जो क्रिएट किया उसे डिलीट कर देता हूं और ओके। ठीक है, आप देखिए डॉक्यूमेंट सॉरी परसेंट डॉक्यूमेंट्स परसेंट, आप ओके करते हैं। जब आप वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो वो एनवायरमेंट वेरिएबल उसे फंक्शनल कर देगा, जब आप वेरिएबल को डिलीट कर देंगे तो फिर उस वेरिएबल उस नाम का या वर्ड का विंडोज के लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि वो विंडोज को पता नहीं है कि पर्टिकुलर आप क्या कर रहे हैं। तो वेरिएबल डिफाइन करने के बाद ही वो फंक्शनल हो जाएगा। पर्टिकुलर यूजर के लिए आपको यूजर वेरिएबल क्रिएट करना है, और अगर पूरे सारे यूजर्स के लिए करना है तो आपको सिस्टम वेरिएबल क्रिएट करना है। तो यही था बेसिकली। और इस तरह से वेरिएबल क्रिएट करके आप डायरेक्टरीज को ही नहीं, आप चाहे तो पर्टिकुलर एक फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। तो फाइल के केस में भी मैं दिखा देता हूं, मान लीजिए मैं यहां पे एक न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब चलिए इसको एडिट करके कुछ लिख देते हैं, और यहां पे लिख देते हैं हम लोग कैपिटल में सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब इसे मैं सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लिख के मैं इसको सेव कर देता हूं। अब मान लीजिए आप ऐसा एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस फाइल को वो ओपन करे, तो इसका पाथ हमें कॉपी करना है। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज में पाथ आता है कि नहीं। ये देखिए फोल्डर पाथ, हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का जो डॉक्यूमेंट फोल्डर पाथ ये हमें मिल गया है सी यूजर्स। तो हम लोग इसे देखते हैं कॉपी होता है या नहीं। नहीं, यहां से कॉपी नहीं हुआ तो हम लोग मैनुअली इसे लिख देंगे। तो चलिए हम लोग दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स एनवायरमेंट वेरिएबल। हम सिस्टम वेरिएबल क्रिएट करेंगे न्यू, इसका नाम देते हैं सपोज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका जो पाथ है हम एक काम करते हैं, यहां से पाथ तो हमें पता नहीं, यहां से हम लोग कॉपी नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे पाथ को यहां डिफाइन कर देते हैं लिख के, जैसे कि सी एक मिनट क्या? और फिर हम लोग डॉक्यूमेंट का जो नाम है डॉक्यूमेंट का नाम हमें क्रिएट करना होगा, क्या था वो, डॉक्यूमेंट का नाम देखना है न्यू, इसे पहले एक बार रीनेम कर लेते हैं। सपोज मैं इसका नाम कैपिटल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम मैं एन दे देता हूं अपने, ठीक है एन मैंने इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम कर दिया। अब फिर से हम लोग एनवायरमेंट वेरिएबल में न्यू, तो यहां पे कैप्स में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और पाथ में जाके हम लोग कोलोन पाथ इसका क्या है एंड, ठीक है अब इसका नाम था n डॉट, आपको एक्सटेंशन देना है txt।
देखिए मैंने पाथ यहाँ पे मिला के मैंने डिफाइन कर दिया है, सी यूजर्स मेरा नाम डेस्कटॉप और फिर एन डॉट टी एक्स टी, ठीक है अब ओके कर देते हैं। तो हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है इसके लिए। तो देखिए रन बॉक्स में जाके आप अगर टाइप करेंगे परसेंट ठीक है परसेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट परसेंट, अब ओके करते हैं। देखिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, यानी कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया और फिर जब उसे हम लोग रन करवा रहे हैं तो वो सीधा यहां पे जाके इस पर्टिकुलर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन कर दे रहा है। तो आपको पता चल गया है कि कैसे आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एनवायरमेंट वेरिएबल को यूज में लेना है, कैसे हर एक बार आप नए एनवायरमेंट वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसे एडिट या फिर डिलीट भी कर सकते हैं अपने यूज के इस्तेमाल के हिसाब से। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।